ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लॉकडाउन के दूसरे चरण में, जो कि जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए, ये चैप्टर 3rd है आपके टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का, और ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा स्कूल का सिस्टम है, बहुत दिन हो गया आपको स्कूल देखे, तो इसलिए ये वीडियो स्कूल में बन रहा है। हमारे कमलेश सर जो हिंदी के एचओडी साहब है, वो कॉरिडोर में टहल रहे हैं, तिवारी सर, सब माहौल पूरा स्कूल का, बच्चे नहीं है, बस बेंच को पढ़ाना पड़ रहा है, बेंच और कैमरा पढ़ाना पड़ रहा है, और शूट कर रहे हैं विवेक सर, ठीक है, शूट विवेक सर कर रहे हैं, तो बेटा सीरियस नहीं हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर 3rd है आपका, क्लास 9 में जो बच्चे आए होंगे अभी तक 8th में जो पढ़े होंगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रो के बारे में पढ़े, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3rd को स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। जैसे ये प्लेन है, किसका प्लेन है, ग्रीन बोर्ड का प्लेन, आपकी जो कॉपी होती है उसमें कागज का प्लेन होता है, वो कागज का प्लेन है, तो ये एक प्लेन है किसका, ग्रीन बोर्ड। मान लीजिए इसमें एक पॉइंट है P, इस प्लेन में एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के पोजीशन को अगर हमें डिटरमाइन करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है कि ये कहां पर सिचुएट है इस प्लेन में, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमने कहा कि ये प्लेन जो है, इस प्लेन पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पोजीशन को डिटरमाइन करना है, हमें दो नंबर्स का रिक्वायरमेंट होती है, तो अब ये दो नंबर जो है उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिटरमाइन करते हैं इसकी पोजीशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यू नो एक्स एक्सिस दैट इज द एक्स को एक्सप्रेस, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड वाई को वाई डैश, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये x कॉमा y दैट इज द पोजीशन
y की पोजीशन ऑन द y एक्सिस। तो यहां पर x को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ, ओके, एंड y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ओके। एक्सिस ऑफ दैट इज द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस, ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस, और दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट। ये आपकी डिफिनेशन हो गई कोऑर्डिनेट, मतलब बेस की प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें रिक्वायर होती है दो पॉइंट की, दैट इज द एक्स कॉमा वाई, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, एंड दिस कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू दिस ज्योमेट्री, जिस ज्योमेट्री से ये रिलेट करता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट से हम जब लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो एक्सिस जो होता है वो प्लस, और जब अपर साइड को मेजर करते हैं तो एक्सिस सॉरी ऑर्डिनेट क्या होता है वो भी क्या होता है प्लस। ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस प्लस एंड द ऑर्डिनेट प्लस, एंड जब राइट साइड में चलते हैं तो फिर आपका एक्सिस क्या होता है माइनस, और ये क्या होता है ऑर्डिनेट क्या होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेजर द एक्सिस, पहले हम एक्सिस को मेजर करते हैं, देन वी मेजर द ऑर्डिनेट, फिर हम मेजर करते हैं ऑर्डिनेट, मींस पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं एक्स एक्सिस पर, फिर उसके बाद डिस्टेंस मेजर करते हैं वाई एक्सिस पर, इज इट क्लियर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सिस होता है प्लस एंड ऑर्डिनेट होता है माइनस। तो सो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। इसलिए हम बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस ऑफ प्लस ऑर्डिनेट प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिस ऑफ माइनस ऑर्डिनेट प्लस, एंड थर्ड क्वाड्रेंट एक्सिस ऑफ माइनस ऑर्डिनेट माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्सिस ऑफ प्लस ऑर्डिनेट माइनस, इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर थे दैट इज द रेनी डेस्कार्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रेनी डेस्कार्ट्स, that is the French mathematician and philosopher René Descartes, ये French mathematician और क्या थे, that is the philosopher, जिन्होंने coordinate geometry, जिसे coordinate geometry का क्या कहा जाता है, father कहा जाता है। तो यहाँ introduction हुआ about the chapter coordinate geometry, is it clear? okay, तो यहाँ पर आप coordinate geometry की intro के बारे में बताएं, आगे आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से रिलेटेड और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, स्कूल का ही माहौल है, और बच्चे नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं बच्चे नहीं है, लेकिन बेंच बहुत है और इस बेंच पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय।